हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिमापुर अगेन। और अभी आज पूरा सुबह सुबह ही मैं चेकआउट कर लिया होटल से, और मतलब बहुत जल्दी में निकलने इम्फाल के लिए, इसलिए मैं मतलब हिचकिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए बस यूज़ करूँगा, नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट वाला जो कि सरकारी होते हैं वो मतलब यूज़ करूँगा मैं। तो अभी मैं बस बस स्टेशन तक जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है इस बार, कुछ अलग सा नॉर्थ ईस्ट में मतलब बस का एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया है, मेरे लिए पूरा नया है ये। मैंने बस से ट्रेवल किया ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट, मतलब आसाम में किया है थोड़ा बहुत, जो कि गुवाहाटी से घर, घर से गुवाहाटी, लेकिन ऐसा मतलब अलग स्टेट में नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी इलाका में मैंने किया नहीं कभी। देखते हैं आज ट्राई, और आप लोगों को भी बताता है एक्सपीरियंस कैसा है। अभी मैं फ्लाई ओवर से चल के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ देख सकते हो। और लेट्स गो देन, वहाँ पे स्टेशन है पास में जो कि मैंने बहुत सेंटर पॉइंट में ही रहा था, कल आप लोगों को बता दिया। ये रहा गाइस रेलवे स्टेशन, इधर में बहुत कचरा है यार, और उसका पूरा सामने भी है नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट। अभी वहाँ पे जाके पूछताछ करते और प्राइस वगैरह का, और अभी टाइम 6 बज गया है तो पास मिलेगा कि नहीं वो सब पूछते हैं अभी, तो देख सकते हैं। ऐसा कुछ ऑटो चलता है यार ये बहुत सारा, नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट। या इम्फाल, हाँ तो काउंटर नंबर 1 में भेजा है, अभी मैं एंटर कर दिया, इसमें देखते हैं अभी। हेलो, यू आर गोइंग इम्फाल? ओके, ना जाने अभी। मैंने अभी मैं काउंटर से आया, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं था, फिर जल्दबाजी मैंने पैसा भी निकलना बोल दिया, इसलिए मतलब ATM ढूंढ रहे हैं अभी, तो पहले पैसा निकल लेते हैं। बोडो या, और ये ब्रदर मुझे ATM ढूंढने में मदद कर रहा है। हेलो ब्रो, यू कैन व्हाट्स नाउ प्लीज। हेलो, उसका हेल्प कर रहा है, मैं ड्यूटी तो ख़त्म हो गया अभी। हाँ ओके, थैंक यू। तो अभी टिकट मैंने ले लिया है, यस आई एम लॉगिंग, एंड उसके बाद जो प्राइस लिया है वो है 390 यहाँ से इम्फाल, और टिकट में कुछ दिखा रहता हूँ ऐसा कुछ है, बस सरकारी है। थैंक यू, और ब्रदर ने बहुत हेल्प किया, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? केवी। केवी, केवी, ओके नाइस टू मीट यू। तो ऐसा कुछ दिखता है देखो, या सैनिटेशन का आर्मी बोल रहे हो, सैनिटेशन, ओके। तो ऐसा कुछ है बस, देख सकते हो ये वाइट एंड ग्रीन नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो गाइस बस अभी निकल चुका है अराउंड 6:40 में, और फुल भी नहीं है बस, देखो बहुत सारा सीट खाली है अभी भी ऐसा कुछ, एंड फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यार। कुछ ऐसा है बस का अंदर में, ओके बाय बाय दिमापुर। और लगभग 210 किलोमीटर का जर्नी है यहाँ से दिमापुर से इम्फाल, दोस्त को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ बोल के इम्फाल। हे ब्रो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? टुडे आई विल रीच इम्फाल अराउंड 4 or 6:30 मे बी आई विल रीच टुडे। बस बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है पैर वगैरह रखने के लिए, देख सकते हो हम लोग। तो गाइस अभी यहाँ पे बस रुका है ब्रेकफास्ट के लिए, 8 बज गया है, और कर लेते हैं कुछ, नागा होटल है, लगभग अभी 8 बज गया तो 1.5 घंटे के बाद रुका है, और ऐसे ही 40-50 ऐसा किलोमीटर में मतलब चल रहा था स्पीड। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नागा होटल है, खा लेते हैं ब्रेकफास्ट अभी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रेस्ट मिले, सेल्फ सर्विस है ना? हाँ वो भैया वो देना, तो
कैमरा पकड़ रहा हो। और थोड़ा सा दे दो आप। हाँ डाल, अच्छा बढ़िया है। सेल्फ सर्विस इधर में। और फिश फिश के साथ कितना है? फिश 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 तो बोल दे। हाँ हाँ वही। और इसमें तो जगह नहीं है। ये क्या है? काला दाल। काला दाल हाँ दे दो थोड़ा। ये कौन सा साग है फिर? और ये बोल है। बोल है ना, पता है। और ऐसा देना, ट्राई करता हूँ। पहले तो नहीं देखा कभी। करवा है क्या? ये चटनी। हाँ 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 चटनी थोड़ा सा देना। हाँ हाँ ये भी दे दो। सब ट्राई करेगा। हाँ 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 पिकल। हाँ पिकल भी दे दो। और वो क्या है? वो अखुनी है, अखुनी चटनी है। हाँ थोड़ा सा दे दो ये भी। और वो फिश तो ऐसा कुछ है। अभी पूरा राइस ही खा रहा हूँ मैं, और फिश के साथ खा रहा हूँ। और क्या क्या ये भी पहली बार देख रहा हूँ मैं। ट्राई करते हैं। थोड़ा सा करवा टाइप का है। और ऐसा कुछ सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। तो खा लिया पेट भर के फिश के साथ बॉयल वाला। और ये फिक्स है, चिकन पोर्क फिश 200 ही लेता है। अभी तो चलते हैं वापस से वो वाला। तो अभी आते आते कोहिमा मिल गया लगभग 9:30 में। और यहाँ पे मौसम बहुत ही चिल है, कूल, शिलोंग जैसा वेदर है। थोड़ा टैक्सी वगैरह भी शिलोंग जैसा ही है, देखो कलर वगैरह। और उसके बाद माओ गेट से एंट्री हो गया बड़ा मणिपुर में। और खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा है रास्ते में, आप लोग देख सकते हो। जो मणिपुर का नज़ारा है वो भी अलग ही शेप का है, मतलब कुछ यूनिक सा अपना, ये देख सकते हो। वाओ रियली ब्यूटीफुल। और थोड़ा देर के बाद कैपिटल सिटी भी मिल गया, इम्फाल। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच गया यहाँ पे इम्फाल में। और यहाँ पे नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो बस स्टेशन है यहाँ पे रुका दिया। अभी पास में ही इम्फाल का सेंट्रल पॉइंट में ही है, जो इमा मार्केट वगैरह उसका पास में। और काफ़ी मस्त जर्नी था, उतना सा प्राइस भी गुड था, मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया प्राइस था। और मतलब जंपिंग तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन सही था यार ऐसा। मतलब आसाम से लगभग, आसाम का जो सिटी बस है गुवाहाटी वगैरह का लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट है, मतलब पैर वगैरह रखने का जगह। और बीच में माओ गेट वगैरह में ILP मतलब चेक हुआ, ILP बनाना पड़ा, क्योंकि मणिपुर के लिए भी चाहिए, आप लोगों को पता है। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? गुड ना, नाइस टू मीट यू अगेन। तो ये ब्रदर का घर में ही रहा था मैं लास्ट टाइम, और ये लेने आ गया ब्रदर मुझे। कैन आई, आर यू हंग्री? लिटिल ओनली लिटिल। या तो दोस्तों ऑफिशियली वेलकम बैक टू इम्फाल ब्रो। वेलकम। या वेलकम। तो अभी मैं ये ब्रदर के घर में ही जाऊँगा मैं, कुछ ऐसा कुछ मौसम अभी मतलब बारिश देने वाला है शायद मेरे आने से। पहले तो सानी दे था यहाँ पे, ऐसा बोल रहे ब्रदर। एंड मैंने बस जर्नी का उतना लंबा नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि उसमें सिर्फ बस वाला ही जर्नी था। हर दिन मतलब खास नहीं होता है,
बस दो तीन बार वो पेशाब करने के लिए भी रुका था बस वही, बाकी तो आप सबने देख ही लिया। तो अभी फिलहाल ये नज़ारा देख सकते हैं इम्फाल का थोड़ा बहुत। तो हम नाइट आउट के लिए निकला था और मुझे ये सुंदर सा ऐसा कुछ देखने को मिल गया। इन लोग का ट्रेडिशनल कुछ पूजा हो रहा है और आप लोग देख सकते हो मेइतेई लोग है ये, मणिपुर का मणिपुरी। और जब हम नाइट आउट के लिए निकला तो ऑलमोस्ट 9 बजे को ऐसा कुछ देखने को मिला कि यहाँ पे सुनने को मिला इंटरनेट बैन होने वाला है और कर्फ्यू लगने वाला है, इसलिए पेट्रोल पंप में काफ़ी लाइन लग गया पेट्रोल भराने के लिए क्योंकि बंद होने से नहीं मिलेगा पेट्रोल। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कल मैं पहुँच गया था मणिपुर में, उसके बाद मैं यहाँ पर रह रहा हूँ इम्फाल में, इम्फाल ईस्ट। और जो अभी कंडीशन है, सिचुएशन है मणिपुर में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी घूम पाऊँगा। और मैं अभी आप लोगों को अपडेट करता हूँ, बताता हूँ कि क्या हो रहा है मणिपुर में मतलब, और कैसा सिचुएशन है, क्या हाल है, अभी ये बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो रिसेंटली कुछ दिनों से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना ये सेंसिटिव और सीरियस हो जाएगा, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो घूमना मुश्किल है। तो कैसा क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, उतना भी मुझे डीप में नहीं जाना है और मुझे मतलब पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना है, जो भी हो मतलब। फिर क्या हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे कुकी ट्राइब एंड जो मेइतेई कम्युनिटी है यहाँ का मतलब मणिपुर का, आप लोग को पता है। तो इन दोनों के बीच कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिलीजियस एंड लैंड को लेके, मतलब लैंड डिस्प्यूट बोल सकते हैं कुछ, और उसके साथ साथ जो मतलब हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया था कि मतलब मणिपुरी जो मेइतेई है उन लोगों को एसटी दिया जाएगा, मतलब एसटी डिमांड कर रहा था मेइतेई लोग, तो उसको जो ट्राइबल लोग है यहाँ का मतलब मेनली कुकी मतलब उसको अपोज कर रहे हैं बस, ऐसा कुछ मुझे जानकारी मिला है जितना कुछ मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा इंटरनेट में एंड लोकल लोगों से जानकारी लिया है। तो ऐसा कुछ अभी चल रहा है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, और काफ़ी कुछ हद तक बहुत मतलब सीरियस हो गया है, बर्निंग वगैरह घर वगैरह जला रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। मैं वीडियो में थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा आप लोगों को वीडियो में मतलब, और जो ग्राउंड वीडियो मुझे मिला है ये सब थोड़ा थोड़ा शेयर कर दूंगा, वैसे भी ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता यूट्यूब में भी, फिर मोनेटाइजेशन का भी मतलब वो डिलीट कर देता है ना यूट्यूब, कुछ पॉलिसीज है इधर का भी इतना वायलेंस वाला नहीं दे सकता, लेकिन ग्राउंड लेवल में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। और आर्टिकल 144 भी यहाँ पे इम्पोस्ट कर दिया, मतलब कर्फ्यू है उधर जो मेन एरिया में हो रहा है वो सुशांतपुर ऐसा नाम है, यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर, तो वहाँ पे तो अभी शूट एंड साइट का ऑर्डर है तो मैं निकल नहीं सकता है, और जो मोबाइल इंटरनेट है वो टोटली अभी बैंड है यहाँ पे। तो अगर मैं बाहर निकलूँगा अभी तो मुझे कुछ भी इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा, अगर कुछ मुझे हो गया तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ मतलब इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलने से मैं कनेक्टेड नहीं रह पाऊँगा ना सोशल मीडिया से, ये दिक्कत है। बाकी तो मैं मतलब ज़बरदस्ती निकलने से तो निकल सकता था, लेकिन अभी सोचता हूँ क्या होगा, एक दिन पहले अभी ऐसे बिताना पड़ेगा एक दिन और सोचना पड़ेगा ठंडे दिमाग से क्या करना है। मतलब छुरा छानपुर है मेन जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ वहाँ से हुआ है, जो कि लगभग यहाँ से 60 से 64 किलोमीटर है एंड वो मिज़ोरम साइड मतलब पास में है, मणिपुर मिज़ोरम बॉर्डर उसके बहुत पास में है, उतना भी ज़्यादा पास नहीं लेकिन वो बॉर्डर साइड है। और मणिपुर को अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो आप लोगों को पता है जो बॉर्डर्स एरिया है वो पूरा हिल्स है मतलब, और जो ट्राइबल्स लोग रहता है नागा कुकी वगैरह वो सब बॉर्डर्स एरिया में ही रहते हैं, और जो भेले एरिया है मतलब जो प्लेन एरिया है यहाँ पर मेनली ये लोग मेइतेई लोग रहते हैं, और कैपिटल इम्फाल वगैरह भी ये प्लेन एरिया में ही होता है, बाकी साइड में उखरुल वगैरह में ठांगखुल नगर रहते हैं आप लोगों को पता है, और जो वो उस साइड में बॉर्डर जिरीबाम साइड में आप लोग का वो हो गया नागा क्या था कुछ जिमी नागा मतलब रहता है नागा ट्राइब्स, और उधर में कुकी वगैरह भी हो गया। तो ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है अभी, ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं,
तो मेन रीज़न ये है कि इंटरनेट शटडाउन है अभी और ये कर्फ्यू वगैरह लगा है। इम्फाल सिटी में भी बहुत कुछ इफेक्ट हो रहा है, ये जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, तो ये सब तो होना नहीं चाहिए एक्चुअल में। और ये थोड़ी ना अभी सूडान वगैरह में चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ये क्या आ गया और मणिपुर में, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। होप कि मतलब जल्दी यहाँ पे ये सब ख़त्म हो जाएगा और जल्दी पीस आएगा फिर से। तो अभी मैं निकल नहीं पाऊँगा यहाँ पे, तो ये वाला जो नागालैंड से मणिपुर रॉन्ग टाइम पे, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना सीरियस होगा ये। तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए और मैं शायद 5 दिन या 4 दिन निकल नहीं पाऊँगा, देखता हूँ होगा कि नहीं, निकल पाएगा कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सिकोनी 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 सुना।